Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार। आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काफ़ी दिन से जापानी कर रहे हैं, आप लोग सीख भी रहे हैं जापानी, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है, आपको जापानी भाषा बोलने में समझने में कुछ सुविधा हुई है, कुछ आसानी हुई है। यदि आप किसी जापानी से मिलते हैं अब तो आपको एकदम से हिचकिचाहट नहीं होती जापानी बोलने में, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन लेसन से, इन लेक्चर्स से आपको और भी आगे फ़ायदा होगा और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, जो अभी तक हम लोगों ने किया है, समय बताना, संकेतवाचक शब्द हमने सीखे हैं, हमने कांजी सीखी है, हमने समय में मिनट बताना सीखा है, हमने दिन सीखे हैं, हमने डेज ऑफ द वीक सीखे हैं, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे दोको देस का। अब दोको क्या है? दोको हमको लोकेशन बताता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का हमको स्थान जानना हम चाहते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं कि वो वस्तु कहाँ है, या बताना चाहते हैं कि वो वस्तु यहाँ पर है या इस जगह पर है, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के लेसन में क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा काइवा है राव सान और मीरा सान के बीच में। बहुत सारा आप कुछ अपने आप ही समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो आज हम लोग इस लेसन में करेंगे। तो राव सान और मीरा सान का काइवा आप सबसे पहले सुनिए। सुमिमासेन, तनाका सान वा इमा दोको देसु का? तनाका सान वा जिमुशित्सु देसु। जिमुशित्सु वा नानकाई देसु का? सानकाई देसु। शोकुदो मो सानकाई देसु का? इए, शोकुदो वा निकाई देसु। सुमिमासेन गा एलिवेटर वा दोको देसु का? एलिवेटर वा असोको देसु। तो आपको इसमें से काफ़ी कुछ तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे दोको। ये आपके लिए जापानी में है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं काताकाना है, यहाँ पे कांजी भी है, आप कांजी कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, तीनों स्क्रिप्ट्स को मिला करके, ये हिरागाना है, तीनों लिपियों को मिला करके लिखा जाता है। इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करिए। एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर हमने स्पेस दी है। देखिए, हर शब्द के बीच में स्पेस है, इसलिए दी है जिससे कि आपको आसानी से शब्द पहचानने में सुविधा हो। जापानी भाषा में ये स्पेस नहीं होती है, पूरा पूरा मिलाकर लिखा जाता है। बाद में जब हम लोग अपने लेसन्स आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि भाषा में स्पेस को हटा दिया गया है। ये स्पेस इस समय आपकी सुविधा के लिए है। कोको सोको आसोको दोको, ये क्या शब्द हैं? आपने सीरीज करी है कोरे सोरे अरे दोरे, कोनो सोनो आनो दोनो, उन्हीं में से को सो आ दो की ये एक और सीरीज है। और ये क्या बताती है? ये स्थान बताती है, ये स्थान बोधक शब्द हैं। तो देखिए, जो संकेत द्वारा किसी भी वस्तु या व्यक्ति का स्थान बताते हैं, इन शब्दों को स्थान बोधक शब्द कहते हैं। आपने किया हुआ है कोरे सोरे अरे दोरे, इसी प्रकार से कोको, वह स्थान जो व्यक्ति के पास है, यानी कि श्रोता से दूर है और वक्ता के पास है।
यहाँ। सोको जो श्रोता के पास हो और वक्ता से दूर हो, यानी कि वहाँ। असोको जो दोनों जनों से, वक्ता और श्रोता, बोलने वाले से और सुनने वाले से, दोनों से दूर हो, व्यक्ति या वस्तु, उसके लिए असोको कहा जाता है। वह स्थान जो दोनों जनों से दूर है, जैसे वहाँ पर। और इन्हीं तीनों का प्रश्नवाचक शब्द है दोको, यानी कि कहाँ पर, किधर। तो आइए इसका हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। ये दो व्यक्ति हैं, आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, तानाका-सान और राव-सान, और एक ये बॉल रखी है यहाँ पर। अब देखिए, कोको यानी कि इनके पास है, इसलिए ये कोको है। लेकिन यही वस्तु जो है राव-सान से दूर है, तो वो क्या कहेंगे? अभी आपने किया है सोको, तो यानी कि जिसके पास है तब कोको है, और अगर किसी से दूर है तो वो सोको है। प्रयोग करते समय ध्यान रखिएगा इसका। अब जैसे आप देखिए, फिर से राव-सान और तानाका-सान है, तो राव-सान ने पूछा बोरवा दोको देस्का, तानाका-सान ने उसको संकेत करते हुए बताया बोरवा कोको देस, यानी कि बोर बॉल यहाँ पर है। अब यदि अगर यही गेंद जो है यहाँ पर आ जाती है, इनके पास आ जाती है, राव-सान के पास आ जाती है, तो वो क्या कहेंगे? बोरवा कोको देस, यानी कि मेरे पास है। तो ये कोको और सोको इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का स्थान बताने के लिए कि वो कहाँ है, तब कोको और सोको का प्रयोग किया जाता है। बोरवा कोको देस। अब आप देखेंगे कि यही बॉल जो है वो इन सज्जन के लिए वापस से सोको हो जाती है, यानी कि इनसे दूर है, इसलिए इनके लिए सोको हो जाती है। और ये बॉल, ये वाली पीली बॉल जो है वो राव-सान से दूर है, इसलिए इनके लिए पीली बॉल सोको हो जाती है। इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए तस्वीर देखिए और प्रश्न पूछिए, कबान वा दोको देस्का, तो राव-सान बोल रहे हैं कबान वा सोको देस, यानी कि वहां पर है। अब ये तस्वीर में बताइए, राव-सान से तानाका-सान ने पूछा कबान वा दोको देस्का, तो राव-सान ने बोला कबान वा कोको देस, तो जगह बदल गई और इनके पास आ गया तो कोको हो गया, इनसे दूर है तो सोको है। अब देखिए, दोनों से दूर है, इनसे भी दूर है और इनसे भी दूर है, तानाका-सान से भी दूर है, राव-सान से भी दूर है। राव-सान इशारा करके पूछ रहे हैं कबान वा दोको देस का, तो तानाका-सान बता रहे हैं कबान वा असोको देस। तो इस प्रकार से कोको, सोको और असोको का प्रयोग किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान में रखना है कि वस्तु कहाँ पर है, किस जगह पर है। अब देखिए एक और आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तस्वीर को देखकर। तारो कुन वा दोको देस्का, तो यहाँ पे आप सुमिमा-सेन भी कह सकते हैं, सुमिमा-सेन तानाका-सान, तारो कुन वा दोको देस्का, तो तानाका-सान बता रहे हैं तारो कुन वा असोको देस, यानी कि वो वहाँ पर कहीं है, दोनों जनों से दूर है, इनसे भी दूर है, इनसे भी दूर है, तो वो व्यक्ति वहाँ पर है। तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का स्थान बताने के लिए, जगह बताने के लिए आप कोको, सोको, असोको का प्रयोग कर सकते हैं और दोको से प्रश्न पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कहाँ है। देखिए दोको, और किस चीज़ का आप पूछ रहे हैं? तेरबी। तो एक छोटा सा काइवा है,
सोनो तेरबी वा दोको नो देस का। अभी तक आपने केवल स्थान किया है, यहाँ पर लोकेशन जानने का प्रयास किया है दोको लगाकर। लेकिन अगर दोको के साथ हम नो लगा देते हैं तब इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ बन जाता है कहाँ का, यानी कि किस जगह का। सोनो तेरबी, वो तेरबी कहाँ का है? तो तनाकासान बताते हैं कोनो, यानी कि उनके पास है वो तेरबी। ये सेल्समैन भी हो सकते हैं। कोनो तेरबी वा कांकोकु नो देस, ये तेरबी कांकोकु यानी कोरिया का है। अब आप एक चीज और देखिए इसमें, आपने पहले इसका अभ्यास किया हुआ है, आप पढ़ चुके हैं ये बात। सोनो तेरबी वा दोको नो, यहाँ पर हमने संज्ञा नहीं लगाई है। यहाँ पर हम तेरबी लिख भी सकते थे लेकिन हमने तेरबी नहीं लिखा है, क्योंकि तेरबी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। तो आप इस प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यहाँ पे वस्तु का नाम भी लीजिए, नाम ले लें तो और भी बहुत अच्छा है, और भी स्पेसिफिक हो जाता है, क्लियर हो जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो सोनो तेरबी वा दोको नो तेरबी देस का या सोनो तेरबी वा दोको नो देस का, दोनों सही हैं और यहाँ पर संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। कोनो तेरबी वा खांकोकु नो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तेरबी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम तेरबी के बारे में ही बात कर रहे हैं। इकुरा देस का कितने का है? नीमान एन देस। तेरबी की जगह आप तोकेई, पासोकोन पर्सनल कंप्यूटर, खुरमा, इन सब के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और किस जगह की है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो सोनो कुर्मा वा दोको नो कुर्मा देस का, कोनो कुर्मा वा निहोन नो कुर्मा देस। सोनो तोकेई वा दोको नो तोकेई देस का, कोनो तोकेई वा दोइत्सु नो तोकेई देस। तो इस प्रकार से आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर स्थान नहीं जाना जा रहा है, यहाँ पर कहाँ से है इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए, गिंको वा दोको देस का, आप प्लेस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये जगह कहाँ है। जैसे कि आपको अगर पूछना है जिमुशित्सु, आपको पूछना है गाको गाको गिंको, आपको पूछना है यूबिंक्योकु, आपको पूछना है कोएन। तो इन सब जगहों के बारे में अगर आपको जानना है तो उसी प्रकार से आप गिंको की जगह ये लगा करके पूछ सकते हैं दोको देस का, यानी कि कहाँ पर है या किधर है, किधर है। तो आप अभ्यास कर सकते हैं जिमुशित्सु वा दोको देस का, जिमुशित्सु वा असोको देस, गाको वा दोको देस का, गाको वा सोको देस। इस प्रकार से आप अपने पार्टनर के साथ, अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए। अभी आपने लोकेशन के लिए दोको किया है। लोकेशन का एक और शब्द है जो कि पोलाइट माना जाता है, जो कि पोलाइट है, फॉर्मल सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है, वो है दोचिरा। तो दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं और दोनों का अर्थ एक है, अभी तक जो हम लोगों ने किया है। लेकिन आज हम दोचिरा का एक और अर्थ बताएंगे आपको। इससे पहले आपने किया है ओकुनीवा दोचिरा देश का, यानी कि आप कहाँ से हैं, ये नहीं कि आपका देश कहाँ है, इसका अर्थ है आप कहाँ से हैं, किस देश से हैं, आपने ये किया है। आज आप लोकेशन के लिए और डायरेक्शन के लिए दोचिरा को देखेंगे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो दोको का अर्थ है कहाँ, ये हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में किया है। जैसे होन वा दोको देस का, किताब कहाँ है, हम होन वा दोचिरा देस का,
ये भी हम कह सकते हैं ये पोलाइट है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, दोचिरा हमने अपना देश, अपना स्कूल, अपना ऑफिस जानने के लिए किसी से सवाल किया, जैसे कुनीवा दोचिरा देश का, ओ कुनीवा दोचिरा देश का, यानी कि आप कहाँ से हैं। अर्थ इसका है आप कहाँ से हैं, ये स्पेशल अर्थ है। गाकोवा दोचिरा देश का, ऑफिस वा कार्यालय वा काइशा वा दोचिरा देश का, यानी कि आप कहाँ काम करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि आपका ऑफिस कहाँ है। तो ये एक स्पेशल इसका यूसेज है। जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो आप नान का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, वो गलत माना जाता है और पोलाइट नहीं समझा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ओकुनीवा दोचिरा देश का, काइशावा दोचिरा देश का। दोचिरा एक और समय प्रयोग किया जाता है, वो है दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए, कि इस ओर, इधर, इधर की तरफ। देखिए इसमें लिखा है किस तरफ, किस प्रकार से, किस ओर। ओतेराई वा दोचिरा देश का, यानी कि बाथरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, किस तरफ है, किस ओर है। कोचिरा ए दोजो, कृपया इधर आइए। तो इस प्रकार से दोचिरा का प्रयोग होता है, अभी आपको आगे और बताते हैं। अब अगर हम कहते हैं पार्टी वा दोचिरा देश का, यानी कि पार्टी कहाँ है, बहुत ही साधारण सा इसका अर्थ निकलता है पार्टी वा दोचिरा देश का, पार्टी कहाँ पर है, किस जगह पर है। अब यदि हम पूछते हैं ओतेराई वा दोचिरा देश का, यानी कि ओतेराई वॉशरूम किस ओर है, किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है। आप ये देखिए ओतेराई वा दोचिरा देश का, आप इसको कहाँ भी कह सकते हैं, ओतेराई कहाँ है, किधर है। सेंसेई वा दोचिरा देश का, सेंसेई कहाँ है, किधर है, किस तरफ है। अब आपने करा किया है पहले, तो सेंसेई वा दोचिरा करा देश का, यानी कि सेंसेई किस जगह से हैं, किस देश से हैं, किस शहर से हैं। दोचिरा का इस तरीके से भी प्रयोग होता है। अब एक और बिल्कुल नया प्रयोग है दोचिरा का, जब आप कोई भी दो या तीन वस्तुओं को दिखा करके पूछते हैं कि कौन सा, तो इसमें हमने तकाई लगाया है, यानी कि महंगा, तो दोचिरा गा तकाई देश का, यानी कि ये दो तीन चीज़ों में से कौन सी वस्तु महंगी है। तो इस प्रकार से भी आपकी चॉइस पूछने के लिए भी, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं वो पूछने के लिए भी दोचिरा का प्रयोग किया जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि दोचिरा लोकेशन यानी कि जगह बताने के लिए, और डायरेक्शन यानी कि किस ओर है, दिशा बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जबकि दो को केवल लोकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये छोटा सा एक फ़र्क है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी अपने पिछले लेसन में, पिछली क्लास में हम लोगों ने तारीख करी थी कि कौन सी तिथि को किस प्रकार जापानी में कहा जाता है। एक काइवा है यहाँ पर राओसान और तनाकासान का, तनाकासान मिक्कावा ना योबी देश का, मिक्कावा सुयोबी देश, सुयोबी वा यासुमी देश ने, हाई सुयोबी वा यासुमी देश। यहाँ पे मिक्का यानी कि तीन तारीख, यासुमी यानी कि छुट्टी, और ने जो है वो पार्टिकल है, अंत में प्रयोग किया जाता है। इसका इंटोनेशन जो होता है वो राइजिंग होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, का की तरीके का एक पार्टिकल है। फ़र्क ये है कि जब आप का लगाते हैं तो आप डायरेक्ट पूछते हैं मिक्कावा ना योबी देश का, तीन तारीख कौन सा दिन है। लेकिन जब आप ने लगाते हैं तो आपको कुछ जानकारी है जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तब
ने लगाया जाता है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 90% पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, किसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आपको 90% पता है, लेकिन आप केवल कन्फर्मेशन के लिए, केवल एक पूछने के लिए आप ये पूछ रहे हैं। तो सुयोबी वाया सुमीदेस ने, यानी कि सुयोबी जो है बुधवार जो है वो छुट्टी का दिन है ना, तो जो हम ना करके हिंदी में लगाते हैं वो ने है जापानी में। हाय सुयोबी वा यासुमी देस, इन्होंने पक्का जवाब दे दिया कि हाँ सुयोबी छुट्टी है। तो इस प्रकार से ने का प्रयोग होता है। अब ये दो सज्जन हैं, देखिए क्या कहते हैं। तनाका सान आश्तावा ना नीची देस का, डायरेक्ट सवाल है। आश्तावा मिक्का देस, यानी कि कल 3 तारीख है। मिक्का नो गोगो नो हाप्यो वा नांजी करा देस का, 3 तारीख को दोपहर में जो हाप्यो होना है वो कितने बजे से है। तो उन्होंने बताया सांजी हान करा देस। ये आपका एक अभ्यास है, हर प्रकार की आपने चीज़ें करी हैं, समय किया है, इसके साथ तिथि का भी अभ्यास कर लीजिए। अब इसका बहुत जल्दी से हम लोग तारीख को एक बार देखते हैं कि इसको कैसे, इसका उच्चारण किया जाता है, कैसे बोला जाता है। आप हमारे बाद इसका उच्चारण करिए। सुइताची फुत्स्का मिक्का योक्का इत्स्का मोइका नानोका योका कोकोनोका तोका जुइचिनिची जुयोका हत्स्का निजुयोका। तो अब आप इसमें देखेंगे नीले रंग में जो लिखा है ये एक एक्सेप्शन है, और ये तीनों यहाँ पे एक्सेप्शन हैं। क्यों? सुइताची एक अलग शब्द है, बाकी सब में का लग रहा है, और यहाँ से 11 तारीख से नीची लिखा जाता है। इसकी जो रीडिंग है, जिस तरीके से बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, वो नीची में बदल जाता है। 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक उसको का कहा जाता है। कांजी यही है, आप देखेंगे पूरी यहाँ तक कांजी यही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर योग का हम पहले भी बता चुके हैं, 4 तारीख है, 4th है, और ये 8th है, 8 तारीख। योग का शब्द एक है, लेकिन ये छोटी साउंड है और ये लंबी साउंड है, इतना ही फ़र्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ी सी कांजी कर लें। कांजी के नए शब्द हैं ये, जो कांजी अभी तक आपने करी है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या शब्द हैं, उनका हम लोग अभ्यास करते हैं। ओकाने कियोबी हत्स्का, अभी आपने पिछली स्लाइड में किया है। क्यूजित्सु हिजुके कानेमोची दोबोकु कोगाकु, ये देखिए ओकाने यहाँ पे है। जब सिंगल लिखते हैं, अकेले लिखते हैं, तो ओ काने होता है, और अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ओ हटा भी सकते हैं और ओ लिख भी सकते हैं, और यहाँ जब लिखेंगे तो रीडिंग बदल जाती है और किन बन जाती है, यहाँ ओकाने है। सो एक ही कांजी की, जैसा हम आपको बताते चले आ रहे हैं, एक ही कांजी की बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। दोनों, अब देखिए कांजी है ये नीची, आपको हम पहले भी करा चुके हैं नीची कैसे आता है। ये सूरज है, सूरज का मुख्य जो मेन उसका काम है वो क्या है, दिन और रात करना, तो इसको हम आधे में डिवाइड कर देते हैं, दिन और रात हो जाता है।
इसको जब हम स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका बेसिक अर्थ है ही यानी कि दिन। इसकी दूसरी रीडिंग जो है वो है निची। निची इसलिए क्योंकि हम लोग करेंगे निची निची यौ बी, निची यौ बी यानी कि संडे रविवार। अब इससे दिन देखिए, आपने ये किया है नान निची देस का, आप कर चुके हैं नान नान निची देस का, निची यौ बी आपने अभी आपको लिख के दिखाया, और ज्यू हाची निची, निची तिथि के लिए है। तो अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। यहाँ पे बी बन गया, निची बन गया, यहाँ पे भी निची बन गया। दूसरी कांजी आप देखिए, यासुमी है। बहुत सीधी सी बात है, यासुमी माने छुट्टी, माने आराम, माने खाली समय। तो अगर व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे बैठा है, अभी आप उसमें भी देखेंगे, आराम से बैठा हुआ है व्यक्ति, रिलैक्स कर रहा है, आराम फरमा रहा है, तो इसलिए पेड़ की कांजी के साथ व्यक्ति है। देखिए ये व्यक्ति है, व्यक्ति आपने किया हुआ है, ऐसे होता है। इसको अगर हम लोग 90 डिग्रीज कर देंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, और पेड़ की कांजी आपने करी हुई है तो पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठ करके आराम कर रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कांजी कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आप देखिए ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए जैसा अभी हमने बनाया था, पेड़ के नीचे ये आदमी बड़े आराम से बैठ करके रिलैक्स कर रहा है, इसको यासुमी कहते हैं, यानी छुट्टी, यानी फ्री समय, यानी आराम। क्यू जित्सु इसकी एक और रीडिंग है, वो है क्यू। क्यू जित्सु यानी छुट्टी का दिन। यासुमी च्यू यानी अभी छुट्टी है। यासुमी जिकान यानी छुट्टी का समय। अब ये देखिए ये कांजी है सुची। इसका बेसिक अर्थ है जमीन। एक और रीडिंग है दो, जो कि आपने अभी करी है, दो योबी में प्रयोग में आता है, यानी कि शनिवार के लिए प्रयोग में आता है इस रीडिंग के साथ। तो कोई भी चीज़ जो है ज़मीन से निकलती है, छोटा सा पौधा है और वो इस तरीके से बनता है, तो हम उसको इस प्रकार से डिपिक्ट करते हैं। दो योबी, अब देखिए बना कैसे है। ये देखिए पेड़ आया बाहर, निकला और उसकी पत्तियां हुई, तो इस प्रकार से दो योबी बन गया। दो योबी और सुची काबे यानी कि मिट्टी की दीवार। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से रीडिंग करके और लिखा जाता है, बोला जाता है। ओकाने आपको पहले भी बता चुके हैं, ओकाने पुराने ज़माने में घर में पैसे कहीं पे भी रख दिए जाते थे, उसको छुपाने के लिए कुछ आपने लगा दिया, और इस प्रकार से ओकाने का जो विजुअल है वो यहाँ से आया है कि पैसे घर में छिपा करके रखे गए हैं और उस पर कुछ कैमोफ्लाज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से बनता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। ओकाने की कांजी इस प्रकार से बनती है, यानी कि ओकाने। और इसकी दूसरी रीडिंग है किन। देखिए ये इस प्रकार से है, आपको पहले भी बता चुके हैं, ओकाने और किनको, किनको यानी कि सेफ, और ओकाने मोची यानी कि पैसे वाला कोई धनी व्यक्ति। एक और कांजी है सेन या साकी यानी कि पहले, आगे, शुरू में, शुरुआत में। तो ये बनती कैसे है, एक व्यक्ति जो है पैर से ही चलता है, दौड़ा चला जा रहा है आगे। तो सबसे पहले तो अभी आपने करी है ये कांजी दो की, इसमें अगर हम ये लगा दें तो इसका ऊपर का हिस्सा बन जाता है और ये दो पैर हैं।
बनाने का तरीका ये नहीं है, बनाने का तरीका है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से बनाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो इसी तरीके से आप बनाइए। इसका अर्थ है पहले, पैर पहले रखा जाता है और रख करके तब आगे बढ़ा जाता है, इसलिए साकी सेन। ये सेंसेई में कांजी प्रयोग में आती है। देखिए सेंसेई, सेंसेई आपसे पहले पैदा होने वाला व्यक्ति आपका टीचर ही होगा। सेंजित्सु यानी कि पिछला दिन, सेंशु यानी पिछला हफ्ता। एक और कांजी है सेई, सेंसेई में भी आपने करी है, इसका मूल अर्थ है पैदा होना। अब देखिए यहाँ से ज़मीन से पौधा पैदा हुआ है, इस प्रकार से बना है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 तो इस प्रकार से ये कांजी बनती है। ये बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, और ऊपर जाता है। एक बार और, 1, 2, 3, 4 और 5 सेई, इसके शब्द देख लीजिए आप। गाक्से, जो कि आप सब लोग हैं तो स्टूडेंट, गाक्से। उमारेरु पैदा होना, नामा यानी कि कच्चा, और नीनेन से दूसरी वर्ष का विद्यार्थी। अब एक कोतोवाजा है आपके लिए, जैसा हमने आपसे वादा किया है आपको कोतोवाजा भी बताएंगे, आपको मुहावरे भी सिखाएंगे यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है, इससे कि नीचो, इससे कि नीचो। ये देखिए यहाँ पर ये कांजी है और ये कांजी है, ये पत्थर की कांजी है और ये चिड़िया की कांजी है। आपको देख के क्या लगता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध सेइंग है, प्रोवर्ब है, हिंदी में भी इसका इक्वलेंट है। ये देखिए यहाँ पर इससे कि नीचो, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये कांजी में लिखा है यहाँ पे, और कांजी में कैलीग्राफी करी गई है, ये ब्रश से लिखा गया है। तो आप स्ट्रोक देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, और रनिंग हैंड में लिखा गया है। ये एक प्रकार की कैलीग्राफी है जिसमें ब्रश कोशिश करके उठाया नहीं जाता है और वैसे ही लिखते चले जाते हैं रनिंग हैंड में। तो इससे कि नी चो, इची और नी आप पहचानते हैं, सेकी हमने आपको बताया है कि इशी है यानी कि पत्थर है, उसकी दूसरी रीडिंग है सेकी, और ये चिड़िया है यानी कि तोरी, जैसा कि आपने तोरी निकू में किया है, इसकी दूसरी रीडिंग है चो, इससे कि नी चो। एक पत्थर से दो शिकार, ये हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है। इससे कि नीचो का अर्थ है एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो निशाने साधना। अब आप लोग यहाँ पे जापानी सीख रहे हैं, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जापानी सीखने के साथ साथ जापानी लोगों के बारे में, जापानी संस्कृति के बारे में भी जानेंगे, जापानी लिखना भी सीखेंगे और जापानी पढ़ना भी सीखेंगे। तो केवल जापानी बोलना ही नहीं है, हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करेंगे, तो एक ही क्लास में एक ही जगह हम बहुत सारा कार्य करेंगे। जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं अगर, तो सब्ज़ी लेने का तो कार्य है ही, और भी अगर हम वहाँ पे कोई कार्य करें तो उसी समय में दो काम कर लेते हैं, इसका ये अर्थ है, जैसा कि आपको हिंदी में पता है। तो इससे कि नीचो, ये बहुत प्रसिद्ध प्रोवर्ब है जापान का, एक कार्य से दो उद्देश्यों को साधना, ये इसका अर्थ है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं देखिए, कोनिचिवा ओगेंकी देसु का, ओकागे सामा दे गेंकी देसु, ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो एक अच्छा एक्सप्रेशन है वो है ओगेंकी देसु का, यानी कि आप ठीक हैं, आप गुड हेल्थ में हैं, आप खुश हैं, इसका सबका ये अर्थ है। ओगेंकी देसु का ये पूरा टोटल अर्थ आता है, इसका अर्थ है हाउ आर यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि
किसी भी व्यक्ति से अगर आप रोज़ मिल रहे हैं तो उससे आप ओगेंकी देस का नहीं पूछते रहेंगे, क्योंकि आप मिल रहे हैं, आपको पता है कि वो कैसे हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, बहुत समय के बाद अगर आप किसी से मिलिए तो ओगेंकी देस का प्रयोग किया जा सकता है। और इसका उत्तर क्या है? ओकागे सामादे गेंकी देस, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑल राइट, अंग्रेजी में, और आपकी दुआ से सब ठीक है, या भगवान की कृपा से सब ठीक है। जैसा कि हम यहाँ कहते हैं हिंदी में, उसी प्रकार से जापानी में भी कहा जाता है। और इसी के साथ आज हम लोग क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर जा कर के पढ़ेंगे, इसको देखेंगे आज हम लोगों ने क्या किया है, इसमें वाक्य बनाएंगे, अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करेंगे, और फिर हम लोग कुछ नया अगली बार करेंगे। इसके साथ नमस्कार, जल्दी ही फिर मिलते हैं।